में जस्ट मैं फ्लैश का ट्रेलर देखा, वो भी हिंदी में। और ट्रेलर देखने के बाद तो लगा यार कुछ नयापन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड बहुत लंबे टाइम के बाद डीसी में कुछ नया प्रेजेंट करने वाला है। ट्रेलर की बात करूँ तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, और कैसे जो फ्लैश से अलग अलग यूनिवर्सल में जाते हैं और वहाँ पर वो कैसे जो टाइम ट्रेवल का जो काम करते हैं, तो एक अलग टाइम में चला जाता है और वहाँ पर उसको अलग अलग उसको फ्लैश उसको देखने के लिए मिलता है। जैसे उस यूनिवर्सल में उसको टाइम ट्रेवल में कुछ ऐसे कुछ अनहोनी होता है तो उसके वजह से उसको फिर से रिसेट करना रहता है। तो इस मूवी में आपको जबरदस्त आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा और पूरी तरीके से एडवेंचर मूवी है। और फ्रेंड इस मूवी में आपको बैटमैन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक चीज मुझे लगा इस मूवी में आपको सुपरमैन शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सुपर गर्ल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें पूरी तरीके से एक्शन एक्शन दिखाई दे रहा है, और कैसे जो फ्लैश अपने बीते हुए कल में जाता है और उसके जो मम्मी के बारे में उसको बताता है, तो वो मुझे बहुत ही इमोशनल लगा उस टाइम का जो सीन है। और इस मूवी में आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इस मूवी का मैं बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, क्योंकि डीसी में अभी तक कुछ अच्छा कुछ मूवी नहीं आया है। तो फ्रेंड इस मूवी में आपको कुछ नयापन आपको देखने के लिए मिलेगा और डीसी के एक बेहतरीन एक मूवी होने वाला है। और फ्रेंड आप सभी लोग पता है कि आप अगर स्पाइडरमैन अगर देखे होंगे तो उसमें भी एक अलग टाइम ट्रैवल करता है, तो उसी में आपको कई प्रकार आपको स्पाइडरमैन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा मुझे लग रहा है। और उसके बाद पूरी तरीके से तबाही आपको देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड इस मूवी का आप देखने के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं वेट कर रहे? और एक चीज फ्रेंड, अगर आप डीसी का अगर फैन हो तो इस मूवी को फ्रेंड एक बार जरूरी देखना। फ्रेंड आप लोग इस मूवी का अगर देखने के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं वेट कर रहे हो, हमें कमेंट करके यह सुनो जरूरी बताना। और ऐसी मूवी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलता हूं फ्रेंड, टेक केयर, बाय।